भारत चीन से सटे अपने इलाकों में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कर रहा है। पहली सड़क दरबुक श्योक दौलत बैग ओल्जी यानी DSDBO है और दूसरी सड़क ससोमा से सेसर ला तक बनाई जा रही है। तो चलिए इस वीडियो में इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि भारत लद्दाख में सड़कों का निर्माण कहां और क्यों कर रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यार मुझे आपका बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल हो, अच्छा लगे, तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हमेशा चलता रहता है और इसी तनातनी के बीच में ये दोनों ही देश किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयारियां करते रहते हैं। इसी दिशा में भारत ने हाल ही में दो नई सड़कों का निर्माण शुरू किया है। पहली सड़क दरबुक श्योक दौलत बैग ओल्जी यानी DSDBO है, जो देश के उत्तरी सबसे चौकी दौलत बैग ओल्जी को कनेक्टिविटी प्रदान करती है। दूसरी सड़क जो ससोमा से सेसर ला तक बनाई जा रही है, जो कि एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है। ससोमा सेसर ला सड़क धूरी DBO के दक्षिण पश्चिम में है। इन दोनों परियोजनाओं को सीमा सड़क संगठन यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जा रहा है। इन सड़कों के निर्माण के लिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चीन की सीमा के पास के क्षेत्रों में 11,815 श्रमिकों को काम पर लगाया गया है। चूंकि भारत और चीन एक दूसरे के साथ जो सीमा साझा करते हैं वह पहाड़ों वाले क्षेत्र में है, इस कारण यदि कोई देश बिना घोषित किए हुए युद्ध शुरू कर देता है तो जीत उसी के कदम चूमेगी जिसकी सेना और रक्षा सामान आसानी से जल्दी बॉर्डर पर पहुंचेंगे। पहाड़ी इलाकों में हवाई जहाज से भी सामान और सैनिकों को पहुंचाने में परेशानी होती है, इस कारण सड़कों के माध्यम से ही सामान और सैनिकों को पहुंचाने में आसानी होगी। यही कारण है कि भारत इन क्षेत्रों में सड़क निर्माण को बहुत अधिक प्रमुखता दे रहा है। यानी ये दो सड़कें भारतीय सेना को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में मदद करेंगी। सेना इन्हें सब सेक्टर नॉर्थ कहती है। उम्मीद है कि इन दोनों सड़कों के निर्माण से चीन के खिलाफ भारत की रक्षा मजबूती और पुख्ता होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि भारत सड़कों का निर्माण कहाँ और क्यों कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।